फ्रेंड्स, आज मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं, और जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है वो है प्राइमरी टीचर वर्ग 3 की जो भर्ती होना है, जिसकी परीक्षा होना है और जो कई बार टल चुकी है, तो उसके अभ्यर्थी भी कुछ बड़ा काम कुछ करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं और हम उनके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन मैं डिटेल में खबरें आप तक पहुंचाऊं उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा ऐसे भी कई व्यूअर्स हैं मेरे जो मेरे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्राइमरी टीचर भर्ती के कैंडिडेट्स जो भी टीचर भर्ती से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं, वो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो बटन है उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दें, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो आएंगे वो आप तक पहुंच पाएँ समय से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एमपीटेट वर्ग 3 प्राइमरी टीचर भर्ती जो होना है, तो आप देख चुके हैं कि पिछले लगभग 1-1.5 साल हो गया है, ये कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तैयारी उन्होंने भरपूर की है और रिटर्न एग्ज़ाम की डेट्स कई बार आईं और कई बार कैंसिल हो गई, और रिजल्ट क्या रहा कि अभी तक उनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है वो भी। तो जैसा कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 के कैंडिडेट्स ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अभियान छेड़ा, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के कैंडिडेट्स ट्विटर पर अपना अभियान छेड़ने जा रहे हैं, ताकि शासन तक उनकी बात पहुंचे और उनके जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस हो और उस डेट पर एग्ज़ाम हो जाए, ताकि उनकी प्रोसेस भी फिर आगे बढ़ पाए और उन्हें शीघ्र अति शीघ्र ज्वाइनिंग तक वो पहुँच पाएँ। तो इसके लिए वर्ग 3 के कैंडिडेट्स इस संडे को, आने वाले संडे कल दिनांक 6/6/2021 को सुबह 11 बजे से एक हैशटैग है उसे वो ट्रेंड कराएंगे, और हैशटैग इन्होंने सेट किया है #MPTET3_exam_date, ये हैशटैग है MPTT3_exam_date, इस हैशटैग को ये ट्रेंड कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो चाहूँगा कि चाहे वो शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के कैंडिडेट्स हों, चाहे शिक्षक भर्ती 2 के कैंडिडेट्स हों, चाहे वो शिक्षा विभाग वाले हों, चाहे ट्राइबल विभाग में जिनको ज्वाइनिंग चाहिए ऐसे कैंडिडेट हों, सभी को इस मुहिम को भी सपोर्ट करना चाहिए। और ये तो आम जनता का मामला है, क्योंकि आज वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, कल को ऐसे नागरिक भी होंगे जिनके बच्चे आने वाले समय में सरकारी नौकरियों के लिए इस तरह से प्रताड़ित होंगे, तो ये एक कॉमन मैन की लड़ाई है, तो इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं कल आपको शाम तक इसके बारे में अपडेट दूंगा कि किस ये जो ट्विटर अभियान छेड़ रहे हैं इसका क्या रिजल्ट होता है और किस लेवल तक ये अभियान पहुंच पाता है, इसकी अपडेट्स आपको कल शाम को दूंगा। अगली चीज़ जो है कि मंडे से शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है फिर से, तो उनके जो चेकलिस्ट है, क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए, वो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नांकित दस्तावेज 2 प्रति में मूल प्रति के साथ लेकर आना होगा, तो इसमें 2 कहा है, मेरा सजेशन है कि आप फोटोकॉपीज़ के 3 सेट तैयार रखें और साथ में ओरिजिनल ज़रूर हों, जैसे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसका उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, और जन्मतिथि हेतु 10वीं या 12वीं की अंक सूची, शैक्षणिक योग्यता अगर जैसे वर्ग 1 के लिए हैं तो स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची, BEd की अंक सूची, और वर्ग 2 के हैं तो ग्रेजुएशन का होना चाहिए, BEd होना चाहिए, आयु छूट संबंधी दस्तावेज़,
मध्य प्रदेश मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि संबंधित अधिकारी द्वारा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो। अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो लगाना है। आपने अतिथि शिक्षक अनुभव, वो न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं न्यूनतम 200 दिवस, इस हिसाब से होना चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र की कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र EWS, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। अगली जो खबर मैं बताना चाहता हूँ कि 4 जून को DPI भोपाल की एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में क्या हुआ वो मैं आपको संपूर्ण ब्यौरा देने जा रहा हूँ। तो इस मैं डिटेल ये दे रहा हूँ कि इसमें दिया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और अन्य विषयों से संबंधित VC का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी 4 जून को, तो उसमें इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहला, प्रथम चरण के सत्यापन के दौरान कुछ जिलों में अभ्यर्थियों हेतु संदिग्ध होल्ड लिखा हुआ है, लेकिन उसमें विवरण नहीं होने से संबंधित अभ्यर्थी पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग पहला राउंड जो हुआ था जुलाई में, उसमें कुछ कैंडिडेट्स को होल्ड करके लिखा हुआ था, जो प्रमाण पत्र उन्हें मिला है उन्हें होल्ड पर रख दिया गया था, लेकिन होल्ड के साथ उन्हें वो कारण भी लिखना चाहिए था अधिकारियों को किस वजह से उन्हें होल्ड पर रखा गया है, तो उनसे वो जानकारी मांगी गई है। अतः आवश्यक दस्तावेज सहित पूर्ण स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं, एक्सप्लेनेशन देना होगा। सेकंड है कि BEd डिग्री वर्ष 2015 के पूर्व 1 वर्षीय थी, अतः इसका भी ध्यान रखा जाए। आप देखिए, BEd 2015 से पहले 1 साल की होती थी और उसके बाद फिर 2 साल की हो गई, अभी सुनाई दे रहा है कि ये 4 साल की हो जाएगी। तो अब ये कई जो अधिकारी हैं कई कुछ जिलों में वो अपडेटेड नहीं थे, तो जिन कैंडिडेट्स की 1 साल की डिग्री थी उनको कहीं ना कहीं परेशानी आई, तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। थर्ड है, यदि कोई अभ्यर्थी BEd की एक्स स्टूडेंट के रूप में परीक्षा देता है और उसी वर्ष स्नातकोत्तर भी उत्तीर्ण करता है तो वह मान्य है। तो ये मतलब ड्यूअल डिग्री में नहीं फंसेगा। फोर्थ है, अभ्यर्थी की मुख्य विषय में ही स्नातकोत्तर मान्य होगी, अलाइड सब्जेक्ट की नहीं। तो जिस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट में PG डिग्री होना चाहिए, अन्य अलाइड सब्जेक्ट की अगर डिग्री है तो वो उसमें लागू नहीं हो सकती। फिफ्थ है, अतिथि शिक्षक के अनुभव हेतु 8/4/2020 के पत्र अनुसार कार्य करें। 8/4/2020 को जो पत्र जारी हुआ था, रूल्स जारी हुए थे, उसके हिसाब से अतिथि शिक्षक के अनुभव का देखा जाए। सिक्स्थ है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक रहते हुए स्नातकोत्तर की डिग्री ली गई है तो उस अवधि को छोड़कर 3 सत्र अथवा 200 दिवस मान्य किए जाएं। तो यह अतिथियों के लिए है। किसी अभ्यर्थी द्वारा दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे उस जाति में रखते हुए प्रकरण को होल्ड किया जाए, ये अदर स्टेट वालों के लिए है। जाति प्रमाण पत्र के जो इश्यूज हुए थे उसके बारे में, होल्ड प्रकरणों के दस्तावेज भेजते समय साफ स्वच्छ पठनीय एवं प्रमाणित फोटोकॉपी भेजें। तो ऐसे जो भी केसेस हैं जो होल्ड पर रख रहे हैं जिला का शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, वेरिफिकेशन सेंटर्स में, तो वो ऐसे होल्ड प्रकरणों के जब दस्तावेज भेजें शिक्षा विभाग में तो एकदम वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऐसे हों जो पढ़े जा सकें और प्रमाणित फोटोकॉपी साथ में अटैच हो। 9th पॉइंट है, दिनांक 7 जून 2021 से शेष अभ्यर्थियों के सत्यापन के साथ ही दिनांक 10/6/21 को छूटे हुए अभ्यर्थियों के सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक 11 जून को नस्तियां भोपाल भेजना सुनिश्चित करें। मतलब कुछ कैंडिडेट्स जिनका सत्यापन अभी हुआ नहीं है तो उनका 7 तारीख से होगा, ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट जो
पिछले वेरिफिकेशन डेट्स में उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश, जो रह गए उन कैंडिडेट्स का भी 10 तारीख तक 10 जून तक सत्यापन पूरा कर लिया जाए और ये सब कंप्लीट करके 11 जून को जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, वो भोपाल भेजना सुनिश्चित करें। समस्त पावती पर ऑपरेटर एवं सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर सुनिश्चित करें। जो भी रसीट है उस पर जो ऑपरेटर होगा और सत्यापन अधिकारी के सिग्नेचर होना चाहिए। 11th है, जम्मू कश्मीर से स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री UGC से मान्य है। जम्मू कश्मीर से अगर किसी ने ग्रेजुएशन और PG किया है तो वो UGC से मान्य है, लेकिन NTCT पर नहीं। तो ये दो चीज़ें हैं, UGC से अगर मान्य है वो, लेकिन NTCT पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे प्रकरणों को होल्ड पर रखना है। ऑनलाइन दिखने वाले दस्तावेज ही मान्य होंगे, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाएगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक किया जाएगा, मिलान किया जाएगा, इसके अलावा अन्य कोई भी दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होगा। 13 नंबर है, विकलांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से ही बना मान्य किया जाएगा, जिसकी मान्यता अवधि जारी दिनांक से 3 वर्ष तक ही होगी। जो विकलांग प्रमाण पत्र है वो मतलब एक मेडिकल बोर्ड से ही बना हुआ है तभी मान्य होगा, और उसकी मान्यता अवधि होगी जारी दिनांक से 3 वर्ष, 3 साल की ही वैलिडिटी होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा सत्यापन दिनांक को नवीनीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, मतलब ऐसा अगर जो विकलांग कैंडिडेट है वो उस प्रमाण पत्र के बजाय कोई नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे उसे मान्य किया जाए। ये दिखाई नहीं दे रहा है, चलो ये बाद में बता सकते हैं। उक्त बिंदुओं के अतिरिक्त पूर्व में जारी आदेशों निर्देशों के अनुसार दिनांक 7 जून से प्रारंभ सत्यापन प्रक्रिया को पूर्ण कराएं। तो ये जो पॉइंट्स जो बताए गए हैं इस हिसाब से आगे की सत्यापन प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जाए। आदेशानुसार डॉक्टर राम मोहन तिवारी, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर, और ये मुझे उपलब्ध हुई है चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा। फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट्स थी आपके लिए, और हम जल्द ही मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ रिलेटेड टू एजुकेशन। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, थैंक यू सो मच।